बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स का क्लास 10। आज हम नया यूनिट 6 शुरू कर रहे हैं, दैट इज बेसिक स्टैटिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये एक चैप्टर है, जबकि आगे क्लासेस में आप लोग इसको एज ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जबकि यूनिवर्सिटीज में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा स्टैटिस्टिक के भी अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, और वहाँ पे आप स्टैटिस्टिक में एज ए मास्टर भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक एक वास्ट फील्ड है, वास्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप लोगों का एक चैप्टर है, जो कुछ आप लोगों के कोर्स में है हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट ले रहे हैं डिफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक या व्हाट इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इज अ साइंस इन विच वी लर्न, नंबर वन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग बेटर डिसीजन। क्या मतलब है इसका कि हम स्टैटिस्टिक, आप लोगों के पास एक ऐसा साइंस है जिसमें हम डेटा को, नंबर एक, डेटा को कलेक्ट किस तरह करेंगे, ठीक है, ये सीखेंगे। नंबर टू, इसको, इसका प्रेजेंटेशन, मीन इसको टेबल फॉर्म में या ग्राफिकली इसको हम प्रेजेंट किस तरह करेंगे। फिर उसी डेटा का हम एनालिसिस किस तरह करेंगे, उनका थिज्य किस तरह करेंगे, ठीक है, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन। और ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? फॉर मेकिंग बेटर डिसीजन, कि हम बेहतरीन नतायज या बेहतरीन डिसीजन कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप लोग अभी मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, मैट्रिक करने के बाद, मैट्रिक पास करने के बाद आप लोग आगे तालीम के लिए क्या करोगे? कॉलेज में एडमिशन लोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के इलाके और इलाके के अलावा कहीं दूर आप अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुख्तलिफ कॉलेज का विजिट करोगे। वहाँ से आप लोग क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे कि उस कॉलेज के टीचिंग स्टाफ के मुताबिक, इसके प्रीवियस रिजल्ट के मुताबिक, इसके बिल्डिंग लोकेशन वाइज, ठीक है, ये आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर उस डेटा को आप लोगों ने टेबल फॉर्म में रखना होगा कि मुख्तलिफ कॉलेजों के डेटा आप कलेक्ट करते हो, इनका कॉलेज टीचिंग स्टाफ इस तरह है, ठीक है, इनके पढ़ाई वगैरह, फिर आप लोगों का लोकेशन, बिल्डिंग लोकेशन, ठीक है, ये सब कुछ। फिर आप लोग क्या करते हो, उनका एनालिसिस करते हो, यार ये कॉलेज किस तरह है, ये कॉलेज, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, फिर उनका एनालिसिस करते हो, और इसी एनालिसिस पे आप लोग डिसाइड करते हो कि मैंने फलाना कॉलेज में एडमिशन करना है। ठीक है, क्यों करते हो, कि आप लोग बेहतरीन डिसीजन कर सको। ठीक, इसी तरह एक आम आदमी अपने डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक का यूज़ करता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो मार्केट जाता है और कुछ चीज़ ख़रीदने जाता है, ठीक है, तो वो पहले एक दुकानदार के पास जाता है, उसकी क्वालिटी को चेक करता है, उसका प्राइस चेक करता है, ठीक है, फिर इस तरह दूसरे दुकानदार, दूसरे, तीसरे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो एक्चुअल क्या करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, और फिर वो रास्ते में ही इसके एनालिसिस करता है, ठीक है, कि फलाना दुकानदार का रेट क्या है, उसका प्राइस, ठीक है, और उसी टाइम वो डिसाइड कर देता है कि मैंने इसी दुकानदार से ये चीज़ ख़रीदना है। ठीक है, तो एक्चुअल वो क्या करता है, वो स्टैटिस्टिक का यूज़ करता है। अच्छा, डिफिनीशन के बाद आप लोगों की बुक्स में नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अ टेबल इन विच द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द ग्रुप्स और क्लास अलोंग विद द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो सेकंड फेज आता है वो आप लोगों का प्रेजेंटेशन फेज है। प्रेजेंटेशन फेज में आप लोगों ने डेटा कलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको या तो टेबुलर फॉर्म में या इस तरह आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब टेबुलर फॉर्म में आप लोगों का फर्स्ट जो आता है, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब आप लोग फर्स्ट डेटा को कलेक्ट करते हो तो आप लोगों के पास वो रॉ डेटा होता है। ठीक है, वो अगर आप लोग चेक करो तो वो उसको डायरेक्ट, अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आप लोगों का डेटा ज़्यादा हो तो इसको एक नज़र में समझना मुश्किल हो जाता है। सो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आप इसको एक बार देख ले तो आप लोगों को समझ आ जाता है कि यार ये डेटा इस तरह है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास दो किस्म के, एक डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड है कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको समझने के लिए कि डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ये हम कब बनाते हैं, और कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसको हम कब क्रिएट करते हैं, ये आप लोगों को एग्जाम्पल से पता चल जाएगा।
अगर आप लोग इस एग्जांपल में चेक कर, इसमें कह रहा है कि इन द शूज स्टोर 40 कस्टमर बॉट द शूज ऑफ द फॉलोइंग शूज साइज, ठीक है, 6, 6, 7 एंड सो ऑन। वो लास्ट में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आप लोगों को ये गिवन नहीं है कि कौन सा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। सो डिस्क्रीट या कंटिन्यू। सो अगर यहाँ पे आप लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या चेक करना होगा, इसमें आप लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चेक करें। अगर आप लोग मैक्सिमम वैल्यू चेक करना चाहते तो आप लोगों के पास यहाँ पे 11 से ज़्यादा कोई और वैल्यू नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम 11 आ रहे। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 11, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, 11, ठीक है। इसी तरह मिनिमम अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों के पास 6 से मिनिमम कोई नहीं है, ठीक है। सो मीन्स 5 इसमें नहीं है। सो मिनिमम वैल्यू आप लोगों का क्या आ रहा है, दैट इज 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने रेंज मालूम करना होगा। योर नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द रेंज। रेंज है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मीन्स 11 माइनस 6, सो विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 5। सो रेंज आप लोगों का 5 आ रहा है, ठीक है। ये 5 जो है ये लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। अगर ये 10 से कम हो या 10 के बराबर हो तो फिर हमने क्या करना होगा, हमने डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 10 से ज़्यादा हो फिर डिस्क्रीट के बजाय हमने कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों का मिनिमम वैल्यू है इसको आप लोगों ने फर्स्ट लिखना है और मैक्सिमम वैल्यू तक मीन्स 11 तक जाना है, ठीक है। मीन्स आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में मिनिमम से शुरू करें और मैक्सिमम तक जाए। ये आप लोगों का रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स, ठीक है, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने इसको दो तरीकों से चेक करना होगा, ठीक है। नंबर एक ये कि अगर आप लोगों के पास, या तो इस तरह काउंट करें, 6 कितने टाइम अकर हो रहा है, 1, 2, 3 इस तरह काउंट करके यहाँ पर लिख दें, ठीक है। या अगर आप लोगों का डेटा ज़्यादा हो फिर आप लोगों ने एक एक वैल्यू को चेक करना होगा। मसलन अगर आप लोगों का फर्स्ट वैल्यू ये 6 आ रहे तो 6 को आप यहाँ पे क्रॉस लगा के यहाँ पे एक लाइन लगा दें, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट वैल्यू भी 6 है तो यहाँ पे आप लोगों ने 6 के सामने लाइन लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 7 है, 7 को काट के यहाँ पे आप लोग लाइन लगा दें। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू अगेन 6 है, 6 काट के, ये इसलिए काट रहा हूँ कि आप लोगों को आसानी हो कि ये डेटा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बारी 8, सो 8 को आप यहाँ पे बार लगा दें, ठीक है। इस तरह 7 2 टाइम है, सो इसको मैं यहाँ पे 2 टाइम लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह 8 ये, इसी तरह 6 4 टाइम हो गया, ठीक है। 10 ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसी तरह 6 4 टाइम हो चुका है, सो इसको मैं डायगोनल वाइज क्रॉस करवा रहा हूँ कि मुझे पता चले कि ये 5 टाइम रिपीट हो रहा है, मुझे नेक्स्ट टाइम इसको काउंट करने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। इसलिए इसको 5 का एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। 8 2 टाइम रिपीट हो रहा है, सो मींस 1, 2, ठीक है। इसी तरह 10 आप लोगों का ये सेकंड टाइम, ठीक है। इसी तरह 7 9 फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। 7 4 टाइम ऑलरेडी हो चुका है, इसको मैं डायगोनल वाइज क्रॉस करवा रहा हूँ। 10, ठीक है। 6 5 टाइम हो चुका है, इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे, ठीक है। इसी तरह 10 2 टाइम रिपीट हो रहा है, सो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम इसको मैं क्रॉस करवा रहा हूँ। इसी तरह 9, ठीक है। 7 9 6 10 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 1, 2, इसी तरह 7, ठीक है। 11 फर्स्ट टाइम आ रहा है, 8 2 टाइम है, मींस 1 और ये 2 टाइम, ठीक है। 7 इसी तरह 6 बल्कि 2 टाइम है, ठीक है। 8 9 7 ठीक है। 8 7 और लास्ट में 9,
अब लास्ट में आप लोगों ने इसको चेक कर दें कि ये 6 कितने टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, मींस 5 ये और 4 ये, सो मींस ये आप लोगों के पास 9 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, मींस 6 शूज साइज जो है वो 9 टाइम रिपीट हो रहा है, इसी तरह 7 साइज जो है वो 10 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको काउंट करके इस कॉलम में लिख ले और इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, सो मींस 8 आप लोगों के पास 5 एक ग्रुप है और 6 7 8, ठीक है, इस तरह नेक्स्ट 9 जो है वो 5 टाइम रिपीट हुआ है, इसी तरह 10 जो है वो 7 टाइम रिपीट हुआ है और 11 जो है वो सिर्फ 1 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको काउंट करें मींस 9 19 19 प्लस 1 20 28 28 प्लस प्लस 5 33 33 प्लस 7 दैट इज़ 40, सो आप लोग चेक करिए यहाँ पे ये 40 कस्टमर थे, सो आप लोगों के पास इससे रिजल्ट भी 40 आ रहे हैं, सो 40 कस्टमर्स ये, ठीक है, अब यहाँ पे ये डेटा अब जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो इसको आप लोगों ने हाइड करना होगा, मींस ये दो कॉलम आप लोगों ने लिखने, एक्स मींस साइज ऑफ शूज़, ठीक है, एक्स कॉलम साइज ऑफ शूज को रिप्रेजेंट करता है और नेक्स्ट जो आप लोगों का फ्रीक्वेंसी इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये शो करता है कि जो साइज है वो कितने टाइम रिपीट हुआ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मींस 6 साइज जो है वो 9 कस्टमर बाय कर चुके हैं, ठीक है, इस तरह 7 साइज जो है वो 10 कस्टमर बाय कर चुके हैं, सो ये अगर आप टोटल करोगे तो आप लोगों के पास वही रिजल्ट 40 कस्टमर्स आए, सो ये आप लोगों के पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको हम इसी तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, दोबारा आप लोगों के पास नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा हो, मीन थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हो, तो फिर आप लोगों के पास ये डेटा थाउजेंड ऑफ डेटा को अगर आप एक ही नज़र में रीड करना चाहो तो मुश्किल हो जाएगा, सो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, सो चूंकि यहाँ पे हमारे पास हमने रेंज कैलकुलेट कर दिया, रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू अपने डेटा में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मालूम करना है, सो इन मैक्सिमम वैल्यू से अगर आप मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगर आप लोगों के पास ये 10 से कम आ रहे तो आप लोगों ने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना होगा, लेकिन अगर ये 10 से ज़्यादा आ रहे मींस आप लोगों को फिर रेंज लिखोगे, लेट से अगर ये मार्क्स है 0 to 100, तो अगर एक स्टूडेंट 0 मार्क्स ले रहा और एक स्टूडेंट 100 मार्क्स, अगर इनके दरमियान डिफरेंस क्या आ रहे 100, ठीक है, मींस 100 माइनस 0 तो 100, तो अगर आप लोग ये टेबल बनाओगे 0 से लेकर 100 तक तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा टेबल बनेगा, फिर इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, उसमें हम फिर क्लास बनाएंगे, ठीक है, मीन 0 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 20 तक, तो वो आप लोगों का कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम उस वक्त बनाते जब हमारे पास ये रेंज क्या हो, ये रेंज मोर देन 100 हो, ठीक है, ठीक है, फिर उसमें ये आप लोगों के कॉलम्स ये सॉरी रोज बहुत ज़्यादा आएंगे, तो बजाय ये कि हम इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करें, हम डायरेक्ट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, तो इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।